नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 के लेटेस्ट रेट्स के हिसाब से एक 1000 स्क्वायर फीट का घर, जिसमें दोस्तों नीचे तो रहेगी पूरी बेसमेंट जो कि पार्किंग वगैरह के लिए यूज़ होगी, और ऊपर बनेगा रहने के लिए घर। तो ऐसी एक बिल्डिंग दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में बनाने में कितना खर्चा आएगा? बिल्डिंग में दो फ्लोर है, नीचे वाला पूरा बेसमेंट, ऊपर वाला रहने के लिए घर। तो अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, नीचे बेसमेंट ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं आपको हर मटेरियल का रेट, उसका कॉस्ट और एंड में आपको मकान का टोटल कॉस्ट, ये सभी चीज़ें डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक 1000 स्क्वायर फीट का मकान, नीचे बेसमेंट ऊपर फर्स्ट फ्लोर, 2023 में बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमको करवानी होती है वो होती है हमारे घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। तो इसमें आपको जो है दोस्तों मेनली तीन ड्राइंग चाहिए, यानी कि 2D प्लान चाहिए सबसे पहले तो आपको, फिर चाहिए आपको इसका 3D फ्रंट एलिवेशन जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, और तीसरी चाहिए होती है दोस्तों हमको इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, जिसमें कि आपकी सभी तरह की स्ट्रक्चरल ड्राइंग आ जाती है, जैसे कि आपका कॉलम की पोजीशन, कॉलम की डिस्टेंस जिसको हम सेंटर लाइन ड्राइंग कहते हैं, कॉलम और फाउंडेशन की डिटेल, प्लिंथ बीम की डिटेल, स्लैब और बीम की डिटेल, ये सभी तरह की डिटेल आपकी इसमें आ जाती है। और चौथी एक चीज़ और आपको चाहिए होती है, उसका नाम होता है दोस्तों वर्किंग ड्राइंग, जिसमें आपका ब्रिकवर्क वगैरह की डिटेल, डोर विंडो लेआउट, डोर विंडो डिटेल, ये सभी चीज़ें आ जाती है। और इनको ड्रॉ करने का दोस्तों कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे मिनिमम 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चार्ज एक लेते हैं। अब मान लीजिए आपका जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, ठीक है, जिसमें से नीचे तो बेसमेंट हो गई और ऊपर घर हो गया, यानी कि 1000 नीचे का एरिया हो गया, 1000 ऊपर का हो गया, टोटल एरिया हो गया आपका 2000 स्क्वायर फीट। और 15 रुपीज़ के हिसाब से अगर इसका चार्ज देखें हम, तो आपको प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाने में जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा दोस्तों 30,000 रुपये। अब दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये कह लीजिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र, कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवा रहे हैं और अभी तक आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, तो दोस्तों आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्क्रीन में नीचे मैंने आपको राइट साइड में अपना नंबर दे रखा है, आप लोग इस नंबर पर हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको चार्जेस लगेंगे वो 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट नहीं लगेगा, आपको ग्राउंड फ्लोर के जो चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और फर्स्ट फ्लोर का चार्जेस आपको 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है और आप G+1 बनाना चाहते हैं, तो आपको टोटल 12,000 रुपये में आपका 2D प्लान, 3D एलिवेशन और सभी स्ट्रक्चरल और वर्किंग ड्राॅइंग्स इसमें आपको रेडी होके मिल जाएंगी। तो दोस्तों लगभग आधे से भी कम में आपका काम यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे आपको मार्केट में 30,000 रुपीज़ देना हो रहा था, वहाँ पे आपको सिर्फ 12,000 रुपीज़ में ये सारी ड्राइंग्स, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ में बनके, वो भी आपके रिक्वायरमेंट के साथ में, ठीक है, क्योंकि हम बिना रिक्वायरमेंट लिए प्लानिंग नहीं करते। जब भी आप अपना घर का प्लानिंग करवाने के लिए हमें कॉल करते हैं, तो हम पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स नोट करते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं घर में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लानिंग और डिज़ाइनिंग पूरी करके देते हैं, वो भी पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ में। तो आप लोग जब भी चाहें हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और घर बैठे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हमारे साथ करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो देखिए घर का कंस्ट्रक्शन जब आप शुरू करवाएंगे, तो सबसे पहले जो करवाना होगा वो आपको फाउंडेशन के लिए इस तरह से एक्सकेवेशन करवाना होता है। तो दोस्तों अभी हमने रिसेंट में ही 1000 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है, उसमें एक्सकेवेशन की क्वांटिटी बनी थी दोस्तों हमारी 1800 क्यूबिक फीट, और एक्सकेवेशन का रेट पड़ा हमको 6 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 10,800 रुपीज़ हो गया हमारा टोटल एक्सकेवेशन का चार्ज। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है फिलिंग। तो देखिए फिलिंग वैसे तो डिपेंड करती है आपकी प्लिंथ हाइट पर, हमने जो प्लिंथ हाइट यहाँ पर ली थी दोस्तों वो ली थी 2 फिट, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपकी जो है फिलिंग की क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी। तो 2 फिट हाइट लेने पे हमको जो फिलिंग की क्वांटिटी बनी टोटल वो बनी दोस्तों 2000 क्यूबिक फीट, और फिलिंग का रेट पड़ा हमको 12 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 24,000 रुपये लगा हमारा प्लिंथ फिलिंग में। फिर दोस्तों तीसरा आता है हमारा सीमेंट। तो देखिए टोटल 500 बैग सीमेंट हमको इसमें लगा, एक बैग का रेट पड़ा हमको 440 रुपये, इस तरह से 2,20,000 रुपये का सीमेंट हो गया हमारा। सीमेंट के बाद बारी आती है दोस्तों स्टील की।
तो टोटल 6,000 kg यानी कि 6 मेट्रिक टन स्टील टोटल हमको इसमें लगा, जिसका रेट पड़ा हमको 66 रुपये पर केजी। इस तरह से 396,000 रुपये का टोटल स्टील हो गया हमारा। स्टील के बाद बारी आती है दोस्तों सैंड की, यानी कि बालू की। तो 3,500 क्यूबिक फीट सैंड टोटल हमको इसमें लगी, जिसका रेट पड़ा हमको 62 रुपीज़ पर क्यूबिक फिट। इस तरह से 217,000 रुपये की सेंड हो गई हमारी। फिर दोस्तों आता है हमारा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो 3,000 क्यूबिक फिट टोटल एग्रीगेट लगा हमको इसमें, रेट पड़ा 50 रुपये पर क्यूबिक फिट का। इस तरह से 1,50,000 रुपये का हमारा एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट के बाद बारी आती है दोस्तों रेड ब्रिक की। तो 22,000 टोटल ब्रिक लगी हमको इसमें, एक ब्रिक का रेट पड़ा 9 रुपये। इस तरह से 198,000 रुपये की रेड ब्रिक हो गई हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा लेबर कॉस्ट। तो देखिए लेबर कॉस्ट इसमें मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा, नीचे का अलग ऊपर का अलग, क्योंकि नीचे जो है सिर्फ हमारा जो है बेसमेंट है, तो वहाँ पे जो हमको काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे लेबर रेट लिया वो लिया 210 रुपये पर स्क्वायर फिट, जिसमें आपका नीचे का फाउंडेशन भी हो गया, ग्राउंड लेवल से नीचे की जो फाउंडेशन होती है हमारी कॉलम की वो भी हो गई, और ऊपर का पूरा बेसमेंट तक का काम हो गया। ठीक है, तो 210 रुपये के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर का अगर रेट की बात करें तो ये टोटल हमको लगा 210,000 रुपये। अब बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो वहाँ का लिया हमसे 120 रुपये पर स्क्वायर फिट, तो 1,000 स्क्वायर फिट के हिसाब से हमारा हो गया 1,20,000 रुपये। अब दोस्तों आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आती है हमारी विट्रीफाइड टाइल। तो देखिए टोटल 700 स्क्वायर फिट क्वांटिटी बनी हमारी फ्लोरिंग टाइल की, रेट पड़ा उसका हमको 60 रुपये पर स्क्वायर फिट, और ये अभी आपको मैं बस मटेरियल का रेट बता रहा हूँ, लेबर का जो रेट है वो अभी आगे आएगा इसमें। तो 700 स्क्वायर फिट का 60 रुपये के हिसाब से हमारा हो जाता है टाइल का 42,000 रुपीज़ यानी कि 42,000 रुपये। फिर बारी आती है दोस्तों सेरामिक टाइल की। तो देखिए टोटल हमारे पास इसमें जो थे तीन टॉयलेट इस तरह से कि एक तो था हमारे पास इसमें अटैच टॉयलेट, एक था इसमें हमारे पास बाथरूम कॉमन, और एक था हमारे पास टॉयलेट जो कि कॉमन था। अब देखिए तीन टॉयलेट का मिला के हमारी जो टाइल की क्वांटिटी बनी फ्लोर और वॉल सारी मिला के वो बनी 600 स्क्वायर फिट, और रेट पड़ा हमको सेरामिक टाइल का 40 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो इस तरह से 24,000 रुपये की हमारी सेरामिक टाइल हो गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा किचन टाइल। तो देखिए 50 स्क्वायर फिट टोटल क्वांटिटी बनी किचन टाइल की, रेट पड़ा हमको उसका 40 रुपये पर स्क्वायर फिट। इस तरह से 2,000 रुपये लगा हमारा किचन टाइल में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है स्कर्टिंग, जो कि हम इस तरह से दीवार के पास में लगाते हैं कॉर्नर्स में पूरे में, और जो हमने इसकी हाइट ली थी वो ली थी दोस्तों 4 इंच। तो 250 रनिंग फिट टोटल स्कर्टिंग की क्वांटिटी बनी हमारी, रेट पड़ा हमको स्कर्टिंग का 20 रुपये पर रनिंग फिट। इस तरह से 5,000 रुपये की स्कर्टिंग हो गई हमारी। फिर आता है दोस्तों टाइल फिटिंग का चार्ज। तो 1,650 स्क्वायर फिट टाइल फिटिंग की क्वांटिटी बनी हमारी, रेट पड़ा हमको उसका 15 रुपये पर स्क्वायर फिट। इस तरह से 24,750 रुपये का टाइल फिटिंग चार्ज हो गया हमारा। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट। तो देखिए ग्रेनाइट जो है वो हमारा लगेगा किचन में, ठीक है ना, उसके बाद में डोर विंडो पे और स्टेयर केस पे। क्वांटिटी बनी टोटल इसकी 300 स्क्वायर फिट, रेट पड़ा हमको ग्रेनाइट का 150 रुपये पर स्क्वायर फिट। इस तरह से 45,000 रुपये का ग्रेनाइट हो गया हमारा। फिर बारी आती है दोस्तों ग्रेनाइट की, जो कि किचन के प्लेटफॉर्म पर लगेगा। तो देखिए एक किचन है हमारे पास, और एक किचन का हमको एल शेप में ग्रेनाइट लगवाने में लगभग 15,000 रुपये का खर्चा हुआ। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है डोर फ्रेम। तो देखिए टोटल 9 डोर थे इस घर में, एक डोर फ्रेम पड़ी हमको 2,500 रुपये की। इस तरह से 22,500 रुपये का टोटल हमारा डोर फ्रेम में खर्च हुआ। फिर आते हैं दोस्तों हमारे फ्लश डोर। तो देखिए टोटल 5 फ्लश डोर थे इसमें हमारे, एक फ्लश डोर पड़ा हमको 5,000 रुपये का। इस तरह से टोटल 25,000 रुपये के फ्लश डोर हो गए हमारे। फिर आते हैं दोस्तों FRP डोर। तो देखिए 3 FRP डोर थे हमारे इसमें, एक FRP डोर पड़ा हमको 2,500 रुपये का। इस तरह से 7,500 रुपये के हमारे FRP डोर हो गए। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों वुडन डोर, जो कि मेन एंट्री पे हमने लगाया था। तो एक वुडन डोर था हमारा, 15,000 रुपये का एक डोर पड़ा हमको। तो इस तरह से वुडन डोर में हमारा वही सेम 15,000 रुपये हो गए। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है विंडो ग्रिल। तो देखिए 6 ग्रिल थी टोटल इसमें हमारी, साइज़ था 4x4 का। आप अगर साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी सी आपका जो अमाउंट है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। एक ग्रिल हमको पड़ी 1,800 रुपये की। इस तरह से 10,800 रुपये की हमारी टोटल विंडो की ग्रिल हो गई।
फिर आती है दोस्तों हमारी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो। तो छः विंडो थी, साइज़ मैंने आपको बताया 4x4 का। एक एल्यूमिनियम की विंडो पड़ी हमको ग्लास सहित 4,500 रुपये की, इस तरह से 27,000 रुपये की टोटल विंडो हो गई हमारी। फिर आती है दोस्तों लोड विंडो, ये कह लीजिए आप वेंटिलेटर। तो तीन विंडो थी टोटल हमारी, 1,500 रुपये की एक पड़ी, इस तरह से 4,500 रुपये की टोटल लोड विंडो हो गई हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी रेलिंग स्टेयर केस की। तो 80 रनिंग फिट टोटल रेलिंग की क्वांटिटी बनी हमारी, रेट पड़ा हमको इसका 600 रुपये पर रनिंग फिट, इस तरह से 48,000 रुपये की रेलिंग हो गई हमारी। फिर आता है दोस्तों वाटर टैंक। तो देखिए 1,000 लीटर का वाटर टैंक था हमारे पास, रेट पड़ा उसका हमको 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से लगभग, तो 8,000 रुपये का हमारा वाटर टैंक यानी कि पानी की टंकी हो गई। फिर आता है दोस्तों वॉल पेंट। तो वॉल पेंट टोटल करवाने में हमको एक 70,000 रुपये का लमसम अमाउंट लगा इसमें। वॉल पेंट के बाद बारी आती है दोस्तों प्लम्बिंग की। तो प्लम्बिंग में टोटल हमारा एक 90,000 का लमसम अमाउंट लगा। प्लम्बिंग के बाद बारी आती है दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में टोटल हमारा एक 80,000 का लमसम अमाउंट लगा। फिर बारी आती है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स की, ठीक है, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस की, जिनमें हमारा 30,000 का खर्चा हुआ। अब दोस्तों एंड में जब इन सभी कॉस्ट को हम टोटल करें तो एक 1,000 स्क्वायर फीट के घर का, जिसमें नीचे बेसमेंट रहेगी और फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए पूरा घर रहेगा, उसका हमारा 2023 में जो टोटल कॉस्ट आएगा फाउंडेशन प्लस फिनिशिंग यानी कि स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग मिला के, वो हमको टोटल पड़ेगा दोस्तों 21,41,850 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा है कि 1,000 स्क्वायर फीट के घर का कॉस्ट बेसमेंट प्लस फर्स्ट फ्लोर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।